नमस्कार, मैं सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं मैनेजमेंट एंड मोटिवेशनल सेंटर। जी हाँ, आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है अकाउंट्स मैनेजर। जी हाँ, अगर आपका डेजिग्नेशन, आपका औहदा और आपका पद अकाउंट्स मैनेजर पे है तो आप क्या क्या काम करते हैं वो भी कॉमेंट्स में बताइएगा। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने अनुभव के हिसाब से, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इसमें काम नहीं करते हैं तो जो आपके कलीग होंगे, जो फ्रेंड होंगे और वो करते होंगे, वहाँ तक आप मेरा वीडियो जरूर पहुँचा दीजिएगा। जी हाँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से रहेगा। पहला पॉइंट है इसमें मॉनिटरिंग। जी हाँ, मॉनिटरिंग दो में बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इन और मनी आउट। जी हाँ, अगर आप अकाउंट्स मैनेजर के पद पे औहदे पे काम करते हैं तो सबसे पहला काम, सबसे जबरदस्त और सबसे उस कंपनी के अंदर जो आपका काम होगा, वो पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ पे जाता है, उसका फुल मॉनिटरिंग होनी चाहिए आपको। जैसे पैसा आता कहाँ से है, तो कस्टमर से आ सकता है आपका पैसा, कस्टमर से तो आता ही है। दूसरा, स्क्रैप आप कंपनी में बेचते हैं तो कभी कभी हो जाता है, या फिर ऑफिस का कुछ एक्स्ट्रा स्क्रैप हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, वो सब भी मटेरियल बिकता है तो उसका भी पैसा आता है। तो वो सब आपको मॉनिटरिंग करना होगा, मतलब कितना पैसा आया आपके पास। दूसरा है कितना GST हो, मतलब रिटर्न आया, IT फाइल करते हैं तो उससे भी कुछ टैक्सेशन रिटर्न मिलता है, तो वो सब का भी मॉनिटरिंग ईयरली करना पड़ेगा। दूसरा है कि मनी आउट। जी हाँ, आपका पैसा अब जाता कहाँ है, तो वो आने वाला रास्ता हो गया, अब जाता कहाँ कहाँ है। तो पहला तो आपका जो वेंडर होगा, जितना भी वेंडर होगा वो लिस्टेड वेंडर होना चाहिए, परचेस के साथ आपको बातचीत करनी चाहिए टाइम टू टाइम, बिकॉज जो वेंडर बनाने का काम है वो परचेस वाले का है, तो आप उनसे जरा मतलब मिलजुल करके, अगर आप अकाउंट्स मैनेजर में काम करते हैं तो इस पर काफ़ी आपको गौर रखना पड़ेगा। तो वेंडर हो गया, उसके बाद स्टाफ में हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, PF हो गया, SIC हो गया, एडवांस हो गया, तो आपका जाता है कहाँ पे, ये सब चीज़ एकदम आना और जाना दोनों पे मॉनिटरिंग। जी करना आपको नहीं है, मैंने लिखा है मॉनिटरिंग करना है। जी हाँ, अगर आप अकाउंट्स मैनेजर पे काम करते होंगे तो आपको जरूर आपके नीचे अकाउंटेंट्स होंगे, अकाउंट कीपर होंगे, तो दो तीन मतलब कि स्टाफ तो होंगे ही आपके नीचे काम करने वाले, तो सिर्फ आपको मॉनिटरिंग करना है। जी हाँ, आप उनके काम में दखल अंदाजी नहीं दीजिएगा, आप उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनके काम में ज़्यादा आपको मतलब कि उसमें उनके काम में ज़्यादा आपको दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी बात है। नहीं तो क्या होता है ना कि स्टाफ टू स्टाफ आपकी लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा होगा, मनमुटाव हो जाएगा, होता है कभी कभी, और वो मतलब छोड़ के चले जाएंगे। उससे अच्छा है कि आपके अंदर में जितना भी स्टाफ है कंपनी में अकाउंट्स से रिलेटेड, वो आपके डेजिग्नेशन के नीचे काम करते हैं, तो आपको उनसे प्यार बनना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। नहीं तो क्या होता है कि स्टाफ आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो जो हम क्या MD होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो सब आप पे काफ़ी ध्यान रखेंगे कि क्या ये तो गलत कुछ नहीं कर रहा है, लड़का क्यों छोड़ के जा रहा है, अकाउंटेंट्स क्यों छोड़ के जा रहे हैं हमारे। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, आपको उनको सिखाना है, पढ़ाना है और उनको भी आगे ऊपर लेके आना है। जी हाँ, आप जैसे उनको आगे लेके जाएगा और तो आप और आगे जाइएगा, जरूरी नहीं कि आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, यह सब मन मतलब कि दिमाग में ये सब बात नहीं रखना चाहिए। दूसरा है रिपोर्ट। जी हाँ, जो भी आपके अंडर, जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके अंडर काम करते होंगे स्टाफ, उनसे आप पूरा रिपोर्ट बनाइए, लेकिन रिपोर्ट का देखना कहीं गलत, कहीं कुछ हो गया, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, तो ये सब चीज़ आपको काफ़ी बारीकी से चेक करना पड़ेगा। आगे है टैक्सेशन। जी हाँ, टैक्सेशन टाइम पे आपको देना पड़ेगा, जो भी हो, GST हो, ITR हो, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड आपका काम होता है, मॉनिटरी होना चाहिए और टाइम टू टाइम, ये आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी में होती है। आगे है बजट। जी हाँ, बजट पे भी आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे किसी वेंडर को आप चेक से पेमेंट मतलब कि करते हैं, तो कोई कोई COD हो गया, या फिर कोई कैश तो नहीं होता, चेक होता है, तो आप ऐसा ही बात कर सकते हैं कि जो परचेस करने वाला वहाँ पे होगा आपके कंपनी में, उनसे आप बातचीत कीजिए कि किसी को अगर हम चेक ऑन टाइम देते हैं, ऑन टाइम बोले तो मतलब चेक लेके जाएगा और सामान लेके आएगा, तो इसमें कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट मतलब मिलता है। तो अगर आपके अकाउंट्स में, यानी आपके मतलब कंपनी में पैसा है, बना हुआ है पैसा, तो आप कंपनी के मालिक से बातचीत करके और परचेस मैनेजर जो होंगे उनसे बातचीत करके आप डायरेक्ट चेक दीजिए वेंडर के नाम पे, और उनसे बात करवाइए परचेस वाले को
कि आप इसमें कुछ रिलीफ करवाए, कुछ छूट दिलवाए, तो इससे क्या होगा ना, कंपनी के बजट बनेगी। तो इस तरह से बहुत सारे वेंडर्स हो गए, कुछ ऑफिस रिलेटेड हो गए, जो आपका वहाँ प्रोडक्शन होता होगा उसका आइटम्स आपके कंपनी में आते होंगे। तो ये सब अगर आपके कंपनी में बैलेंस बना हुआ है, पैसा अच्छा है, तो ये सब काम आप कर सकते हैं, तो इससे कंपनी का ग्रोथ और अच्छा होगा। आगे है ऑडिट ऑन टाइम। जी हाँ, ऑडिट हमेशा आपको टाइम पे करवाना होगा। जो आपको सीए होंगे टाइम टू टाइम तो करेंगे ही, लेकिन इस पर भी आपको कुछ मॉनिटरिंग करना होगा, उनके साथ बैलेंस शीट पे बातचीत करनी पड़ेगी, कंपनी का अच्छा बैलेंस शीट बना रहे और आपका कंपनी में अच्छा बैलेंस बना रहे, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और ईमानदारी से, वफादारी से कंपनी में काम कीजिए। कहीं कहीं मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी है कि जब वेंडर के लोग चेक बनाने के लिए बैठते हैं, अकाउंट्स वाले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैनेजर होते हैं जो पुराने होते हैं, तो उनके वेंडर के साथ कुछ सेटिंग हो जाता है और वह गलत काम करने लगते हैं और उनसे कुछ पैसा मांगने लगते हैं, तो ये सब एकदम गलत बात है। आप कंपनी के लिए ईमानदारी से, ऑनेस्टी से काम कीजिए। जितना छूट होना होगा लेना, आप परचेस मैनेजर से मिल करके आप छूट कंपनी के लिए ले सकते हैं। इसमें आपका भी तरक्की होगा, कंपनी का तरक्की तो होगा ही होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।